हेलो स्टूडेंट, सभी को नमस्कार। तो अपना जो टॉपिक चल रहा था वो था डी ब्लॉक एलिमेंट्स और उनके सामान्य गुणधर्म। तो उनमें उन्हीं श्रेणी में नेक्स्ट अपना गुणधर्म उसका रंग, यानी संगठन तत्वों का रंग सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। यानी आप किसी संगठन तत्व के बारे में कैसे कह सकते हैं कि रंग प्रदर्शित करेगा यानी रंगीन होगा या रंगहीन, उसकी व्याख्या करेंगे इस वाले पॉइंट में। तो संगठन तत्वों के कलर की व्याख्या यानी कर सकते हैं वो करेंगे अपन, संगठन तत्वों के रंगीन हो गया रंगहीन। तो जो तत्व जिनका इलेक्ट्रॉन निकास सामान्य उत्कृष्ट गैस के समान होता है वे सामान्य कैसे होते हैं, रंगहीन। यानी जो उत्कृष्ट गैसों के समान इलेक्ट्रॉन न्यास रखते हैं वो क्या होते हैं, रंगहीन। और जिनके पास रिक्त डी कक्षक होता है वो होते रंगीन, यानी रंग प्रदर्शित करते हैं। तो जितने भी जो संगठन तत्व होते हैं उनके अपने इलेक्ट्रॉन न्यास पाए जाते हैं, उनके पास रिक्त डी कक्षक होते हैं। क्या होते हैं, रिक्त डी कक्षक उपस्थित होने की वजह से ये रंगीन आयन या रंग प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो बात आते हैं कि रंग की व्याख्या कैसे कर सकते हैं। तो वो देखते हैं कि जो सामान्य संगठन तत्व होते हैं उनके पास फाइव जो डी कक्षक होते हैं, पांच जो डी कक्षक होते हैं वो दो भागों में बटे होते हैं। कितने भागों में बटे होते हैं, दो में। जैसे यानी ये क्या है, फाइव डी कक्षक, क्या है, फाइव डी कक्षक। जैसे ही इनके पास लिगेंड आएगा तो कितने भागों में बढ़ जाएंगे, दो भागों। कितने भागों बढ़ जाते हैं, दो भागों में। यानी फाइव डी कक्षक है, ये इसमें से डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, डी एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, पांच डी कक्षक की पांच ऊर्जा समान होती है, ये कहलाते हैं संभ्रंश कक्षक। क्या कहलाते हैं, संभ्रंश कक्षक। तो दो भागों बटेंगे तो ये तो कहलाते हैं ईजी कक्षक। क्या कहलाते हैं, ईजी कक्षक। और ये कहलाते हैं टी टू जी कक्षक। क्या कहलाते हैं, टी टू जी कक्षक। ये होते हैं डी एक्स वाई और डी वाई जेड, ये होते हैं डी एक्स जेड, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, सॉरी ई जी और टी टू जी, ये दो भागों में बढ़ जाएंगे। तो जय यदि इस दो भागों में बटने को इसको कह लेते हैं डी डी संक्रमण, डी डी संक्रमण। यानी इलेक्ट्रॉन जब एक यानी निम्न ऊर्जा स्तर ये कहलाएगा उच्च ऊर्जा स्तर, ये कहलाएगा निम्न ऊर्जा स्तर, ये कहलाता है निम्न ऊर्जा वाला, ये कहलाता है उच्च ऊर्जा वाला। अब यदि डी कक्षक में इलेक्ट्रॉन सपोज कि यहाँ डी वन है, किसी में ये पहले इलेक्ट्रॉन होता है निम्न ऊर्जा स्तर में, यानी टी टू जी, और ये कहलाता है ईजी कक्षक। जब इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर होता है इसको ऊर्जा दी जाती है, इलेक्ट्रॉन कहाँ पर चला जाता है, उच्च ऊर्जा स्तर में। कहाँ पर चला जाएगा, उच्च ऊर्जा स्तर। जब इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जाता है तो उसे कहते हैं डी डी संक्रमण, डी डी ट्रांजिशन। तो जिस तत्व में डी डी संक्रमण होता है वो रंग प्रदर्शित करते हैं, और जिसमें डी डी संक्रमण नहीं होता है वो रंग प्रदर्शित नहीं करते। ठीक है, जैसे क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपको, एक क्वेश्चन है टाइटेनियम प्लस फोर, टाइटेनियम प्लस फोर रंगहीन होता है क्यों, टाइटेनियम प्लस फोर रंगहीन होता है, रंग प्रदर्शित नहीं करता है क्यों, उसका कारण क्या है। उसका कारण यह है कि टाइटेनियम का इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या होता है, आर्गन 18 3B2 4S2, ये टाइटेनियम का है मूल अवस्था में। तो टाइटेनियम 4 प्लस का क्या होगा, आर्गन 18 चार इलेक्ट्रॉन, देखिए 2S के निकल जाएंगे, 2 देखिए क्या 3D 0
4s 0, ठीक है, यानी d कक्ष में कैसा है इलेक्ट्रॉन, जीरो। d कक्ष कैसा है, बिल्कुल रिक्त है, खाली है, तो d कक्ष में इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, d कक्ष में इलेक्ट्रॉन नहीं होने की वजह से d d ट्रांजिशन नहीं है, d d संक्रमण नहीं है, अतः रंग की व्याख्या नहीं कर सकता है, कैसा होगा रंगहीन। इस प्रकार जितने तत्व जिसमें d कक्ष क्या है, खाली है, रिक्त है, या d कक्ष में इलेक्ट्रॉन है, वो रंग प्रदर्शित करेगा। इसी आधार पर बात करें अपन एक कॉपर की, कॉपर प्लस और एक होता है कॉपर टू प्लस, एक होता है कॉपर प्लस, एक होता है कॉपर टू प्लस। कॉपर प्लस होता है रंगहीन और ये होता है रंगीन। कॉपर प्लस क्या होता है रंगीन और कॉपर टू प्लस क्या होता है रंगहीन। उसका कारण क्या है, उसका कारण है कि जो कॉपर प्लस है उसके क्या होता है इलेक्ट्रॉन विन्यास, कॉपर प्लस का, कॉपर प्लस का क्या होगा 3d10 4s 0, ठीक है, 3d10, तो d में कितने इलेक्ट्रॉन है 10, ठीक है, 10 आएंगे तो पहले एक एक बढ़ेंगे, फिर क्या हो जाएंगे युग्मित, फिर इसमें हो जाएंगे कंप्लीट d, यानी इलेक्ट्रॉन को निम्न ऊर्जा स्तर से ऊर्जा देने उच्च ऊर्जा स्तर यानी t2 जैसे eg कक्ष इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन संक्रमण नहीं होता है, इसलिए कैसा होता है रंगहीन। जबकि कॉपर 2 प्लस की बात करें, कॉपर 2 प्लस की उसका क्या होगा 3d9, क्या हो जाता है 3d9, एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन यहां से कम हो जाएगा, तो जैसे ही इनको ऊर्जा देंगे निम्न ऊर्जा स्तर के इलेक्ट्रॉन यहां से निकल करके कहां पर चला जाता है उच्च ऊर्जा स्तर में, यानी dd संक्रमण हो जाता है और रंग प्रदर्शित करता है। इसका dd संक्रमण dd ट्रांजिशन की सहायता से किसी संक्रमण तत्व पर रंग की व्याख्या कर सकते हैं, वो रंगीन हो गया रंगहीन या रंग प्रदर्शित करेगा या नहीं करेगा, जिनमें डीडी संक्रमण है वो रंग प्रदर्शित करता है, जिसमें नहीं रंग प्रदर्शित नहीं करता है। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।